हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका भाई पहुंच चुका है गणपति पंडाल बोकारो में, जहां पर दोस्तों थीम दिया गया है सोमनाथ टेंपल का। जो यहां का थीम है वो है सोमनाथ टेंपल का। आइए आप लोग दिखाते हैं कैसा यहां का पंडाल बना है और क्या खूबसूरती है यहां का, हमारे बोकारो का। आप लोग महाराष्ट्र का देखते हैं धूमधाम से मनाया जाता है, बट हमारे बोकारो का भी कम नहीं है। तो आइए देखते हैं और आप लोग को भी दर्शन करवाते। प्रेम से बोले जय गणपति बप्पा। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। ये रहा दोस्तों एंट्री गेट, और इसके समीप कई दुकानें आप लोगों को मिल जाती हैं, और इसके ऑपोजिट साइड में बच्चों के लिए बनाया गया है। और ये सब ब्रांड प्रमोशन चल रहा है जो कि हम लोग नहीं दिखाएंगे। और इधर खाने पीने का सारा सामान बच्चों के लिए है, और खेलने का सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पर अतरंगी चीज़ें भी देखने को मिल जाती, जैसे कि स्मोक बिस्किट। देखिए यहाँ पर टीवी लगाया गया है जिससे प्रदर्शन वगैरह दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पर धुआं उठता है, क्या होता है सारा चीज़। देखिए ये वीडियो दोस्तों उन लेडीजों के लिए जो कि दोस्तों शौकीन होती है खरीदारी के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर प्लेट, चम्मच, कप वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। काफ़ी ऐसे सारे दुकानें आप लोगों को देखने को मिल जाए, लाइन बाय लाइन बहुत सारे दुकानें यहाँ पर, बच्चों से लेकर बूढ़ा तक सारे सामान यहाँ पर उपलब्ध है। देख लीजिए कारपेट वगैरह, चटाई, पता नहीं क्या क्या यहाँ मिला में बिक रहा है। अचार भी बिक रहा है बच्चों के लिए, यहाँ पर खिलौने तो बिक ही रहे साथ ही साथ अचार। ये देखिए बर्तन वगैरह सभी चीज़ लेडीज के लिए यहाँ पर सारा सामान उपलब्ध है। यहाँ पर जितने भी घर में उपयोग होते हैं सारे सामान आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, और बच्चों के लिए गेम्स वगैरह तो है ही जी। अब साड़ियाँ देखिए यहाँ पर, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, क्या नहीं है यहाँ पर दोस्तों। देखिए उधर बच्चों के लिए गेम्स, एक पे डबल, पता नहीं क्या क्या ऑफर चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर धमाल ऑफर लगा हुआ है एकदम, गणपति पंडाल सेक्टर 4 बोकारो में दोस्तों। बस दोस्तों इसी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। लीजिए टैटू, आप पूरा शरीर में टैटू यहाँ पर बना सकते हैं, डिजाइन वाला अलग अलग प्रकार के यहाँ पर टैटू बना सकते हैं आप लोग, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग बना रहे हो, कितने सारे यहाँ पर डिजाइन हैं। तो कौन कौन बनाना चाहता है टैटू। आखिर दोस्तों हम लोग गणपति पंडाल के समीप पहुंच ही गए हैं, जय गणपति बप्पा। ये रहा दोस्तों आप लोगों का सोमनाथ टेम्पल का थीम पे ये गणपति पंडाल बनाया गया है, जो कि दोस्तों गुजरात में है ये सोमनाथ मंदिर। तो देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है यहाँ पर। ये है दोस्तों मजदूर मैदान बोकारो सेक्टर 4 दोस्तों। अगर आना चाहते हैं जो भी मेरे बाहर के दर्शक देख रहे हैं, अगर बोकारो में आना चाहते हैं कुछ दिन में, दो तीन दिन में आना चाहते हैं तो आइए, क्योंकि दो तीन दिन बाद दोस्तों ये मूर्ति विसर्जन हो जाएगा। काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर दोस्तों, और कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पब्लिक का आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर चीज़ें हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर सारे चीज़ें हैं। तो जिनको भी आना है आइए यहाँ पर और खूब इंजॉय कीजिए और गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और आपका भाई यहाँ पर आ चुका है। ये बप्पा ये या भक्ताना दर्शन द्यायला ये। दोस्तों अभी हम लोग मौजूद है गणपति पंडाल बोकारो में, जो कि मैंने आप लोग को बताया। और ये दोस्तों पंडाल और 5 से 6 दिन रहेगा जैसे कि हमें पता चला है, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। काफी भव्य यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, मेरे पीछे देख सकते हैं सोमनाथ टेम्पल का। तो बोलिए प्रेम से जय गणपति बप्पा, और चलिए अंदर की और दर्शन कराते हैं आप सभी को। पंडाल के समीप हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पर भी देख सकते कितना सुंदर भव्य यहाँ पर मूर्ति को बनाया गया है, काफी सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में। प्रेम से बोलिए जय गणपति बप्पा। और जितने लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ वो लोग कमेंट करेंगे, और प्रेम से गणपति बप्पा मौर्य जरूर लिखेंगे। जय हो। चलिए हमारे प्रसाद मिल चुका है, ग्रहण करते इसे गणपति बप्पा मौर्य। आप सभी तक गणपति बप्पा का आशीर्वाद पहुंचे, और हमेशा आप लोग तरक्की करें दोस्तों आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। हम लोग मुंबई महाराष्ट्र जाकर भी कवर करेंगे, वहाँ का गणपति विसर्जन, गणपति जी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, पूरा चीज़ हम लोग कवर करेंगे और सारा चीज़ का अपडेट देंगे। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो ये देख सकते हैं आइसक्रीम किस तरह से बन रहा है यहाँ पर, किस तरह से भैया बना रहे, ये देख सकते हैं टैलेंट है, मानना पड़ेगा। ऐसे अतरंगी चीज़ें बहुत सारे आप लोग को मेले में देखने को मिल जाएंगे, अतरंगी चीज़ों की यहाँ पर कमी नहीं है भाई। हमारा भी बोकारो भी कहीं से कम नहीं है, काफी चीजें हैं। देखिए बच्चों के लिए बोटिंग, और क्या चाहिए बताइए। और ये पंडाल का तो कुछ कहना ही नहीं है, पता नहीं कितने लाखों का पंडाल है, बट
बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में दोस्तों सुख भी है दुख भी है, पर गणपति बप्पा के दरबार में सिर्फ सुखी सुख है। प्रेम से बोले गणपति बप्पा की जय, और आप लोग जरूर आइए एक बार। जय गणपति बप्पा। ये लीजिए दोस्तों बच्चे, मनोरंजन ही मनोरंजन बच्चों के लिए। देखिए क्यूट क्यूट बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, और पर से देख लीजिए हमारे लिए आप जैसों के लिए ये गोल गोल चक्का गुड़कते रहिए इस पे, और घोड़ा गाड़ी बचपन की यादें और क्या चाहिए, और खाने के लिए बटाटा पूरी और क्या नहीं है यहाँ पर, गजब ही गजब, बवाल ही बवाल और कमाल ही कमाल। तो आइए हमारे बोकारो में और एक बार गणपति पूजा हो या दुर्गा पूजा, ये कोई भी पूजा हमारे यहाँ लगता है ऐसे ही मेला। तो आप लोग आइए एक बार बोकारो में और हमारे साथ घूमिए, आइए हमारे बोकारो में और घूमिए फ्यूचर वाला सौरभ के साथ, और हमेशा चेहरे पे रखिए स्माइल एक प्यारा सा। लगता है बेचारे अंकल भाग गए हैं बच्चों को यहाँ पर बैठा के, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेले में दोस्तों बहुत तरह के गेम्स है, तो आइए एंजॉय कीजिए, गणपति बप्पा का दर्शन कीजिए, जल्दी आइए, और ये 4 से 5 दिन ये पंडाल रहेगा। तो हम लोग मौजूद है गणपति पंडाल सेक्टर 4 में, जहां पर दोस्तों थीम दिया गया है गुजरात सोमनाथ टेंपल का, और काफी भव्य यहां पर मंदिर बनाया गया। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर यहां पर मूर्ति भी है, और क्या ही बताओ दोस्तों, गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमें तो प्राप्त हुआ, आप लोग डिजिटल माध्यम से हम लोग प्राप्त करवा रहे हैं, और ऐसे प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो आई होप छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई को ऐसे प्यार दिखाते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और गणपति बप्पा की जय।